शकील भाई। शकील वालेकुम अस्सलाम। भाई, आपके जो पासपोर्ट पे एड्रेस दिखा रहा है सुल्तानपुर, हाँ, सुल्तानपुर से हैं आप, सुल्तानपुर। तो इस ऑफिस में कैसे आप पहुंचे, किसके थ्रू आए, कैसे क्या हुआ? ये शाह मोहम्मद भाई के नाम भाई से। हाँ, तो वो पहले यहाँ काम करवा चुके हैं या पहले काम करवा चुके हैं। काम करवा? कितना सैलरी बताई गई आपको? 1800 रुपये। 1800 रुपया। उसका एग्रीमेंट भी आपको हाँ, मिला है? एग्रीमेंट मिला है। ठीक है। पहले कहाँ काम करते थे आप? पहले हम अलखर्ज में करते थे। अलखर्ज, यानी रियाद आना जाना था हाँ, आपका। दिया जाने जाने तो आपको पता है आपकी कब की फ्लाइट है? ये है 21 तारीख की, 21 तारीख, आज तारीख है 17, 17। 4 दिन के बाद। तो अभी आपका टिकट भी हो गया है, ये टिकट है भाई का, और ये इनका वीजा लगा है, और इमिग्रेशन भी था क्या इनका? इमिग्रेशन भी था। सारे डॉक्यूमेंट आपके रेडी हैं, आप जाइए, एग्रीमेंट पेपर आपके पास है। रियाद में सुलेमानिया का वीजा है, वो भी आपको बता दिया गया है। हाँ, काम कभी ज्यादा है कभी कम है, वो तो इसकी कोई गारंटी कोई नहीं लेता है, नहीं, तो बात हमारी सही है। गारंटी जो है वो सैलरी की है। या कफील आपको परेशान कर रहा है, या बेवजह हाँ, कोई दिक्कत फालतू हो बात रही है। कर रहा है, या जैसे जिस घर में आप जा रहे हैं वहां पे एक घर के बजाय दो घर का काम करवा रहा है, तीन घर का काम करवा रहा है, हाँ, तो ये आपकी नहीं, जिम्मेदारी हमारी। बात सही है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं खुद वहां पे आपको मिलूंगा। बहुत से कफील ऐसा करते हैं कि चाबी ले लिया और बाहर निकाल दिया, हाँ, बाहर निकाल वो देते भी हैं कई जिम्मेदारी हमारी, हम वहां पे आपको मिलेंगे जब भी आप बार। बोले। अगर हम वहां नहीं है किसी वजह से, हाँ, तो हमारा कोई आदमी वहां पे आपको ठीक रिसीव कर लेगा, रूम में रखेगा, खिलाएगा, बोले जब तक आप सेट नहीं हो जाए तब तक हम आपके साथ नहीं, खड़े हैं। बात ठीक सही है। है, काम कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है, कफील ठीक है, कोई वो तो वो कोई नहीं है, मसला नहीं था कोई उसमें। मसला नहीं है। ठीक है, बाकी इस ऑफिस में जो लोग आना चाहते हैं उनके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? जो हमारे लोग, जो दोस्त लोग देख रहे हैं, वीडियो हमारी अपलोड होती है डेली यूट्यूब पे, उनके लिए कुछ कहना चाहते तो आप कह दीजिए। भाई, अच्छी बात है, आना चाहिए। वैसे अच्छा काम करेंगे आप, कर रहे हैं, जी जी आगे तक करते रहेंगे, ऐसी अच्छा, कोई बाकी दिक्कत है यहाँ नहीं। यहाँ पे आपको किसी तरीके से किसी स्टाफ ने आपसे बदतमीजी की नहीं, हो, कोई नहीं, या कभी आपने फोन किया हो आपको सही जवाब न मिला, ऐसा नहीं कभी नहीं हुआ है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं। न पैसे के लिए कभी टॉर्चर ना किया ना होगा, न ना, कभी परेशान किया होगा, नहीं नहीं, ऐसी कोई उसके बात बाद टिकट पासपोर्ट आपका हो गया है, उसके नहीं। बाद आप आए हैं उठाने के हाँ लिए, हाँ इससे पहले ना पेमेंट का भी नहीं कोई नहीं इशू उसमें नहीं नहीं। रहा है। बाकी भाई लोग, जो हमारे ऑफिस का जो रूल है, वो पहली बात तो हम लोग पैसा नहीं लेते, 1800 रियाल सैलरी की फुल गारंटी रहती है। बहुत सी जगह पे 1700 रियाल चल रही है और झूठ भी बोल के भेजते, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप लोग एक बार मेरे ऑफिस में विजिट करिए, उसके बाद यहाँ का काम देखिए, पहले आके बात करिए। अगर आपको लगे कि हाँ काम सही हो रहा है, बात ये लोग सही कर रहे हैं, बात सही नहीं करे काम भी सही होगा, नहीं, सिर्फ सही आपको है। समझाने के लिए हम लोग बात करते हैं, और इसीलिए बुलाया जाता है कि एक बार आइए, आने के बाद फिर जो है हमारा काम देखिए, उसके बाद पासपोर्ट दे दीजिए, अगर दिल करे तो मेडिकल कराइए, ना दिल करे तो मत कराइए, कोई जबरदस्ती नहीं। दूसरी चीज, अभी जो हमारे पास जो वीजे अवेलेबल है, दो आदमी हमको नॉन मुस्लिम चाहिए रियाद के लिए, और एक आदमी हमको खाना बनाने वाला चाहिए, और ड्राइवर, नए ड्राइवर चाहिए जिनकी सैलरी 1400 से 1500 रियाल है, 20 या 25 दिन में काम हो जाएगा। बाकी इस तरह के वीजे आते रहते हैं, आमिल मंजिली के वीजे, घर के अंदर साफ सफाई देख रेख करना, इनके भी वीजे आते रहते हैं। बाकी सैलरी जो रहेगी वो जब आप सामने आएंगे बता दिया जाएगा, पैसे का जब पासपोर्ट देंगे तो पैसा भी नहीं जमा किया जाएगा, और सारी चीजें बता दी जाए, जब आपको लगे कि हाँ जाना चाहिए तो फिर आप जाइए, नहीं लगे नहीं जाना चाहिए तो पासपोर्ट आपके पास रहेगा, आप जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट।